बीजीएस में 6 मैच में 80+ पॉइंट चाहिए यार। 80+ तो बहुत ज्यादा है, 15 6 90 काफी ज्यादा है ना। टॉप फोर आना है ना खुद के ग्रुप में, काइंड ऑफ। अपना वीक कौन सा है ग्राइंड में, 14 मार्च को है अपना मैचेस। 256 में टॉप 16 आना है राउंड फोर के लिए। ओ, और अगर नहीं आए तो, अरे ठीक है ना, स्ट्रेस मत दो, मैचेस आएंगे खेलेंगे, जितने पॉइंट आएंगे उस हिसाब से आगे देखेंगे, पहले से कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे। 14 मार्च, अरे अप्रैल यार, 14 अप्रैल भाई। सीआरसी हैकिंग इन बीजेएस ग्राइंड भाई। यार हैकर्स का तो यार मैं क्या ही बोलूं, हैकर्स का मतलब आजकल जो T1 टीम प्रॉपर ऊपर पे चल रही है, हैकर्स तो बैठे उसमें भी, मतलब स्टार्ट में हैक किए और बाद में खुद को लेजेंड बता के आज तक खेल रहे हैं, तो उसका तो देखो प्रॉपर अगर कोई वो ही नहीं है, प्रॉपर सिस्टम ही ना, तो उसका तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक हैकर्स हैं तो हैकर्स खेलेंगे। अब समझो मैं एक दिन क्या सोच रहा था, समझो एक प्लेयर हैक कर करके T1 एंटर कर लिया। T1 में मतलब देखो स्किल्स का कोई दिक्कत नहीं है, स्किल्स सबके पास है T1 में, दिक्कत बाहर आ जाती है ESP वाली हैकिंग पे। अब समझ लो एक बंदे पे ESP है, मतलब वो ESP लगा के T1 एंटर कर लिया, T1 में उसको स्लॉट मिलने शुरू हो गए, बढ़िया ऑर्क्स में आ गए, बढ़िया टीम में आ गए, लेजिट हो गए। ठीक है, लेजिट हो गए। अब BGS समझ लो चल रहा है, BGS में उन्होंने कोई सिक्योरिटी रख दी कि आपको ये मैच इस तरीके से खेलना है, हमें ट्रैक करना है। चलो ठीक है, वो बंदा वहां पे हैक नहीं लगाएगा, बट बाकी जो थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, क्या पता वहां पे वो हैक लगा रहा हो, क्या पता वो 5 में से 1 मैच हैक लगा लेता हो और बाकी में बंद कर देता हो, या 2 मैच में हैक लगा लेता होगा, तो भरोसा तो किसी का नहीं है। देखो ये तो अपनी खुद की ईमानदारी है, मतलब आप, मेरे को तो अब ये लगता है कि ऐसा क्यों नहीं करते होंगे प्लेयर्स, क्यों नहीं करते होंगे बताओ। जो बंदा एक बार हैक लगा लिया तो वो कैसे खुद को प्रूव कर पाएगा कि वो दोबारा कभी लगाएगा नहीं, जिसको एक बार चोरी करने की आदत पड़ गई फिर वो चोरी करता रहता है।